दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक सही तरीका। और इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जस्ट आपके पास एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए, अदरवाइज आपके पास एक ईमेल आईडी रहना चाहिए, बस इतना ही है। तो अभी सबसे पहले आपका प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, बिल्कुल फ्री है। और जैसे आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। और अभी सबके ऊपर में एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो इसलिए आपको देखना है सबके नीचे तरफ, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना होगा और अभी आपके सामने इस तरह से ये पेज खुलकर आएगा जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आपको ना मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ पर मेरा जो SMS है तो यहाँ पर भी ओटीपी मुझे नहीं मिला है। और मैं अगर आपको व्हाट्सएप देखना चाहूँगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में भी ओटीपी मुझे नहीं मिला है। तो ये हो गया दिक्कत जो आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे साइन अप विथ योर ईमेल एड्रेस। तो सही तरीके से क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल आईडी ही डालना होगा। तो अभी इस बॉक्स में आप डालेंगे आपका ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता है और जो ईमेल आईडी आपका मोबाइल में भी लॉगिन किया हुआ है ताकि आपको आसानी से ओटीपी मिल सके। और अभी इस बॉक्स में एक कॉन्फर्मेशन कोड डालना है जो आपको ईमेल आईडी पर रिसीव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कॉन्फर्मेशन कोड मिल गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इसी तरह एक वेरिफिकेशन कोड आपको भी मिल जाएगा, तो इसी कोड नंबर इस बॉक्स पर आप डालेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और अभी आपको दिख जाएगा ये पेज और इस पेज में अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे। तो जो भी पासवर्ड यहाँ पर आपको सेट करना है तो मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ से भी आप आगे बढ़ेंगे। और इस इन्फॉर्मेशन को सेव करते ही आपके सामने दिख जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ सेट करने के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप आपका डेट ऑफ बर्थ डे मंथ एंड ईयर के हिसाब से जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर आप उसे सेट करेंगे। और अभी इस पेज में आप आपका नाम डालेंगे, यहाँ पर आपका नाम जो भी है तो यहाँ पर उसे डालेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा ये पेज। और इस पेज में अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का एक यूजर आईडी आपको चूज करना है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ यूजर आईडी आपको दिख जाएगा। तो अगर आप उसे रखना चाहते तो रख सकते हैं, अदरवाइज उसे आप एडिट वगैरह करके आपका हिसाब से आप एक यूजर आईडी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपका यूजर आईडी अवेलेबल है तो इस तरह से राइट साइड में आपको ग्रीन कलर का टिक मार्क आपको दिख जाएगा, अदरवाइज उसे आपको थोड़ा सा चेंज वगैरह करके यहाँ पर डालना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए इस पेज में आपको दिख जाएगा कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी। तो अगर आप उसे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करते हुए उसे आपको एक्सेप्ट करना है। और अभी हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। और अभी इस स्टेज में आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर आप चूज करेंगे और अभी नीचे इस ऐड पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा दो ऑप्शन, चूज फ्रॉम गैलरी एंड टेक ए फोटोज। तो अगर आपका फोटोज आपका गैलरी में पहले से अवेलेबल है तो आप गैलरी चूज करेंगे। तो अभी इस तरह से आपका गैलरी का सारे फोटोज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी जिस फोटो को आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और अभी उसे इस तरह से थोड़ा ज्यादा क्रब अगर आप करना चाहते तो उसे करके आप उसे आपका हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे इसमें प्रेस करके अगर आप चाहते तो इस फोटो को रोटेट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो अभी अगर आप अपना प्रोफाइल पिक्चर से सेटिस्फाइड है तो डन। तो अगर आप चाहे तो इस ऑप्शन को ऑन करके इस प्रोफाइल पिक्चर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी ये फोटो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर एज ए प्रोफाइल पिक्चर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, तो अभी इस इंस्टाग्राम अकाउंट को थोड़ा सेटअप वगैरह आपको करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक परमिशन देना है ताकि आपका कॉन्टेक्ट पर ये एक्सेस कर पाए, फुल एक्सेस का परमिशन आपको देना है। और अभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये फेसबुक ऑप्शन, तो अगर आप चाहते तो यहाँ पर आप आपका फेसबुक सजेशन भी रिसीव कर सकते, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी अगर आपका मोबाइल पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप इस तरह से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है और उम्मीद करते हो कि वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं आपसे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।